राजन, महामाया ने जो भी योजना बनाई थी सब कुछ उसी के अनुसार घटित हो रहा था। क्या पृथ्वी लोक, क्या स्वर्ग लोक, क्या पाताल लोक, सब पर पुतलियों का या यूं कहो अधर्म और छल का आधिपत्य स्थापित हो गया था। परंतु राजन, इस संसार में कोई भी संपूर्ण शक्तियों और गुणों को धारण नहीं करता। इसी संसार में एक ऐसी शक्ति भी थी जो पुतलियों और महामाया की पहुंच से दूर थी, और वो थी ज्ञान की शक्ति, जो समस्त छल बल से दूर पवित्र धर्म संवत और शक्तिशाली थी। राजन, ज्ञान की शक्ति के बिना पुतलियों का कार्य अधूरा था, क्योंकि सारे भावों का अस्तित्व ज्ञान के कारण ही है। किंतु ज्ञान किसी भाव पर आश्रित नहीं है, इसलिए ज्ञान का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। राजन, राजन, ज्ञान चाहे तो सारे भावों को बदल दे, परंतु भाव चाहे भी तो ज्ञान को नहीं बदल सकते। इसलिए इस सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महामाया ने ब्रह्मदेव का आह्वान किया। देवी महामाया, आप ये क्या कह रही हैं? आप सब संसार के समस्त भावों की स्वामिनी हो, परंतु ज्ञान और भाव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जहां ज्ञान होगा वहां भाव का अतिरेक नहीं होगा। तब आप सबको ज्ञान की शक्ति क्यों चाहिए? ब्रह्मदेव, यदि हम संपूर्ण संसार को संभाल सकती हैं, तो आपके ज्ञान को क्यों नहीं? और हम पुतलियों ने अपनी शक्तियों से संपूर्ण संसार को अपने अधीन कर लिया है। अब संपूर्ण संसार हमारी इच्छा से चलेगा, आपके ज्ञान से नहीं। महामाया, तुम ये भूल रही हो कि जिस भाव से मनुष्य ज्ञानी होता है, वही भाव उसे अज्ञानी भी बना देता है। जबकि ज्ञान भाव को संतुलित करता है। ब्रह्मदेव, हम यहाँ आपके ज्ञान की शक्तियां लेने आए हैं, ज्ञान के उपदेश नहीं। महामाया, हम तुम्हें दुरुपयोग करने के लिए ज्ञान की शक्ति नहीं दे सकते। ब्रह्मदेव, हम तो यहाँ विनयवश आपसे ज्ञान की शक्तियां मांगने आए थे, किंतु यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। अभी तो अपना अधिकार छीनना होगा। पुतलियों, जहां ज्ञान की शक्ति होती है वहां भाव कुछ नहीं कर सकता। तुम सबको संसार के समस्त प्राणियों के व्यवहार, चरित्र और गुणों के अनुसार समस्त लोगों के भाव का दायित्व दिया गया था, परंतु तुमने अपना दायित्व निभाने के स्थान पर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने का मार्ग चुना। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा, और तुम सब अपने मन के भावों के समान ही हो जाओ।
ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव हमें क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव हमें दया कीजिए हमें शाप मत दीजिए ब्रह्मदेव हमें ऐसा शाप मत दीजिए जाओ अब तुम इसी रूप में किसी अंधकूप में पड़ी रहोगी जाओ चली जाओ इस संसार से राजन अतिरेक सदैव विनाशकारी होता है इसी के कारण महामाया और शेष सभी पुतलियां आज तक अभेद्य अंधकूप में बंद हैं उनके शापित होते ही संसार के समस्त भाव पूर्व की भांति स्वतंत्र हो गए तो अब बता राजन मेरे प्रश्न का उत्तर दे ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी बोल क्या बात है राजन तेरी जीवा तालू से क्यों चिपक गई अरे बता ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी बता राजन अरे कुछ तो बोल बात क्या है राजन तू कुछ बोलता क्यों नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दे अन्यथा तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा राजन तू बोलता क्यों नहीं देख प्रेत घाटी की सीमा समाप्त होने वाली है राजन बेटा आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे चाहे तुम जितना प्रयास कर लो इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है राजन मेरे प्रश्न का उत्तर दे अन्यथा तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ये क्या राजन तुझे तो इस प्रश्न का उत्तर पता ही नहीं है चल इस प्रश्न का उत्तर तुझे मैं देता हूं मैं ऐसी चूक कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं जिसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम राजन अरे कुछ तो बोल उत्तर नहीं दे सकता तो मेरी कुशल क्षेम ही पूछ ले विक्रम आज तक मैंने तेरा इतना ध्यान रखा थोड़ी चिंता तू भी मेरी कर ले विक्रम कुछ भी हो जाए मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता मुझे वापस लौटना ही होगा क्यों नहीं पा रहा हूं ये तूने क्या कर दिया विक्रम छोड़ दे मुझे जाने दे विक्रम बेताल तुम अपनी ही नियति से बंधे हुए हो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है आज विक्रम मेरे मित्र मेरे गुरु भाई मेरे भाई विष्णुगुप्त बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है राजन ऐसा अनर्थ मत कर मैं पुनः समझा रहा हूं तुझे राजन छोड़ दे मुझे राजन मैं विनती कर रहा हूं राजन 1100 वर्ष पुरानी नियति मत तोड़ अन्यथा यह तुझ पर भारी पड़ेगी विक्रम 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 विक्रमादित्य विक्रम 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 विक्रमादित्य
सोचा वो कर दिया। विक्रम, राजा विक्रमादित्य नाम हमारा बेताल। तो समय लगा किंतु आज तुम्हारी 1100 वर्षों की यात्रा पूर्ण हुई। देखो बेताल, तुम प्रेत लोक से बाहर आ चुके। 1100 वर्ष। विक्रम, तू ये मत समझना कि तू मुझसे जीत गया है। सत्य तो ये है कि जीत मेरी हुई है, क्योंकि मैंने जानबूझ के तुझे ऐसी कहानी सुनाई जिसका उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं था, तो तुझे कहां से होता। बेताल, लगता है तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। प्रेत घाटी से बाहर आने का दुख तुमसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। 1100 वर्ष बाद इस प्रेत घाटी से मुक्त होकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है, तो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता विक्रम। 1100 वर्ष पहले इसी स्थान से मेरी प्रेत लोक की यात्रा शुरू हुई थी। विक्रम, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बेताल, बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतनी प्रसन्नता हो रही तो ठीक है, अपने परम मित्र भद्रकाल का भी स्मरण कर लो। हो सकता है तुम्हारी प्रसन्नता थोड़ी कम हो जाए। भद्रकाल, मेरे गुरु सखा। अच्छा याद दिलाया तूने विक्रम, भद्रकाल। तो अब तो मुझे भद्रकाल के पास ले ही चल। भद्रकाल, तू भद्रकाल के पास ले ही जा रहा है ना? अवश्य। तो मेरी सुनी कहानियों को विस्मृत मत कर देना, क्योंकि भविष्य में वही तेरे जीवन की शक्ति होंगी। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उनसे जीवन जीना और संकटों से लड़ना सीखा जा सकता है। जब जीवन में सारे मार्ग बंद हो जाते हैं ना विक्रम, तब ये कहानियां ही हमें मार्ग दिखाती हैं। बहुत मार्गदर्शन कर लिया तुमने हमारा बेटा। चलो अब हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का दर्शन कराते हैं। विक्रम हमने कहा था ना, चंद्र टले सूरज टले टले जगत व्यवहार, किंतु राजा विक्रमादित्य के टले न धर्म विचार। जो सोचा वो कर दिया। हमने कहा था ना, हम बेताल को ले आएंगे प्रेत घाटी से। देखिए सन्यासी, ले आए हम बेताल को। कर दिया हमने अपना वचन पूरा। स्वागतम विक्रम। सिद्ध कर दिया आज तुमने कि तुम केवल विक्रम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हो। विष्णु गो बेताल। कितनी दूर चले गए थे तुम मुझसे छुपने के लिए? 1100 वर्ष लगे मुझे तुम्हें वापस अपने पास बुलाने के लिए। 1100 वर्ष। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं यूं देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1100 वर्षों का आनंद एक पल में समेट लिया हो मैंने। जैसे सत्य कहा तुमने भद्रकाल, 1100 वर्षों से मुझे भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। बेताल, मैंने तुम्हारे लिए 32 जन्मों तक लंबी और अंतहीन प्रतीक्षा की है।
एक दिन तो आना ही था। आत्ममुग्धता से बाहर निकलो भद्रकाल। प्रतीक्षा तुमने नहीं, प्रतीक्षा मैंने की है। तुम्हारे पतन की, तुम्हारे अंत की। क्योंकि मैं जानता था मेरे बिना तुम्हारा अंत संभव नहीं है। पिछले 1100 वर्षों से प्रेत घाटी की निर्जनता और भयावहता को झेलते हुए मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा अंत कर सकूं। तुम और मेरा अंत एक प्रेत करेगा। मेरा अंत जिसने अपना शरीर खो दिया हो, अपना जीवन खो दिया हो और केवल अब एक परछाई की तरह हो, वो करेगा भद्रकाल का अंत। मैंने अपना शरीर खोया है भद्रकाल, अपनी शक्ति नहीं, अपनी आत्मा नहीं। और तेरा अंत करने के लिए तो मेरा आत्म तत्व ही पर्याप्त है भद्रकाल। इतने पराक्रमी थे तो फिर इतने वर्षों तक उस प्रेत घाटी में दुबक कर क्यों बैठे थे? हैं? मत भूलो बेताल कि मैंने तुम्हें राजन के द्वारा यहाँ पर बलपूर्वक मंगवाया है। लगता ये सच्चाई स्वीकार करने में तुम्हें लज्जा आ रही है ना? जिसकी दृष्टि बुरी होती है उसका ही मुंह काला होता है भद्रकाल। बेताल, धर्म के लिए जिया, धर्म के लिए मरा। इतने ही धर्मात्मा थे तो 1100 वर्षों से एक वृक्ष से लटके हुए क्यों थे? क्यों नहीं तुम अपनी योनि से मुक्त हो गए? मेरी मुक्ति में तुम्हारी भी मुक्ति थी और मुझे तुम्हारी मुक्ति नहीं, तुम्हारा अंत करना था पत्रकार। अरे अंत तो अब तुम्हारा होगा बेताल। 1100 वर्षों पहले जिस यज्ञ की अग्नि से बचकर तुम भाग गए थे, आज उसी अग्नि में मैं तुम्हारी आहुति दूंगा। फिर छठा तत्व, इस संसार का आत्म तत्व, और फिर पूरे संसार पर भद्रकाल का राज होगा और सारे के सारे जीव जंतु दास होंगे भद्रकाल के। ठहर जाइए सन्यासी। 1100 वर्षों से ठहरा हुआ हूं और कितना ठहराओगे? और तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार नहीं है, तुम वचनबद्ध हो राजन। हम वचनबद्ध थे सन्यासी, क्योंकि हमने आपको वचन दिया था कि हम बेताल को प्रेत घाटी से लेकर आएंगे, क्योंकि हम आपके ऋणी थे। किंतु अब हमने अपना वचन पूरा कर दिया सन्यासी। अब ना तो हम वचनबद्ध हैं और ना ही आपके ऋणी। तो क्या करूं? तुम्हारा वध करके फिर से तुम्हें जीवन दान दूं और तुम्हें अपना ऋणी बना लूं? क्या 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 करूं? आप क्या चाहते हो तो आप ही जाने सन्यासी। हम तो बस इतना चाहते हैं कि संसार में कोई अधर्म ना हो और हमारे रहते हमारे सम्मुख कोई अधर्म तो कर ही नहीं सकता। बातें तुम बहुत प्यारी करते हो राजन। चलो कोई तो है संसार में धर्म की चिंता करने वाला, कोई तो है। ग्यारह सौ वर्ष पहले भी एक व्यक्ति था जिसे जिसे धर्म की इतनी चिंता थी, किंतु अब वो व्यक्ति तुम्हारे पास खड़ा है। क्या तुम दूसरा बेताल बनना चाहते हो? सन्यासी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक सामान्य से व्यक्ति से पार पाने में आपको 1100 वर्ष लग गए। दो व्यक्तियों का सामना कैसे करेंगे? धर्म? किस धर्म की बात कर रहे हो राजन? ये जानते हुए कि बेताल की आहुति देते ही इस संसार पर अधर्म का राज होगा, तुम बेताल को लेकर यहां आए हो। मेरे जाल में फंसकर
तुम स्वयं अधर्म के सारथी बन गए हो। ये धर्म का ढकोसला किस लिए? जाने दो। धर्म की रक्षा करने के लिए हमने आपका वचन पूरा किया है सन्यासी, अधर्म के लिए ही हम बेताल की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि अभी केवल आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, आपका उद्देश्य नहीं।